If points A, B, C and D form a parallelogram A, B, C, D, find the values of P and Q. ये parallelogram है जिसकी दोनों opposite sides parallel हैं. A, B, C, D के नाम दे देते हैं. माइनस टू कॉमा माइनस वन, बी वन कॉमा जीरो, सी पी कॉमा थ्री और डी वन कॉमा की. तो ये बिल्कुल नोन कोऑर्डिनेट्स हैं और इसमें कुछ कुछ इसमें एब्सिसा और इसमें कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है. तो अब ये बात तो पक्की है, जैसा भी हम लोग ने एक और सवाल किया था कि जो डायगोनल्स है वो दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. इसका मतलब जो O है वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी मिड पॉइंट है. मिड पॉइंट ऑफ AC इज माइनस टू प्लस पी डिवाइडेड बाय टू, माइनस टू प्लस पी और माइनस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू. उसी तरह मिड पॉइंट ऑफ बी डी इज क्या हो जाएगा, वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू, जीरो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू. ओ ओ ओ के कोऑर्डिनेट ये हैं, ओ के कोऑर्डिनेट ये. तो अब इसका मतलब ये दोनों तो सेम पॉइंट हैं, यानी इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट और इन दोनों का वाई कोऑर्डिनेट सेम. देयरफॉर माइनस टू प्लस पी डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू और माइनस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू इज इक्वल टू जीरो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय टू. बच्चों एग्जाम में आप डायरेक्टली यहां से भी सॉल्व करेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स ना कटे और हो सकता है कोई काट दे. इसलिए शुरुआत आप रीजन से जरूर करिए, थोड़ा सा लिखने में ज्यादा हो रहा है बट फुल मार्क्स हमें यहां से मिलेंगे. ओके, टू टू कैंसिल हो गया, पी इज इक्वल टू हो गया फोर, टू टू कैंसिल हो गया और क्यू हो गया टू. बस यही दोनों हमारे आंसर्स हैं. पी की वैल्यू है फोर और क्यू की वैल्यू है टू. सो स्टूडेंट सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम 2 IIT.